हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में करने वाले यूज ऑफ हु। हु का यूज दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं कि यूज कैसे किया जाता है हु का। अनुराग इज अ क्लेवर बॉय, ही गॉट 100%। ही यहाँ पे किसके लिए बोला गया? अनुराग के लिए। तो देखिए कैसे करना है यूज। अनुराग इज अ क्लेवर बॉय, दो सेंटेंस को जोड़ना है, मीन्स फुल स्टॉप हट जाएगा। ही यहाँ पे किसके लिए बोला गया? अनुराग के लिए। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हु गॉट 100%। आया समझ में? अनुराग इज अ क्लेवर बॉय, अनुराग एक चालाक लड़का है। हु गॉट 100%, जिसे 100% अंक प्राप्त हुए। बराबर है? ही इज द मैन, ही किल्ड द स्नेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज द मैन, फुल स्टॉप हट जाएगा। ही किसके लिए? ही के लिए बोला गया, तो ही हट के क्या आ जाएगा? हु। ही इज द मैन हु किल्ड द स्नेक। देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ शिवाजी, शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। तो क्या हो जाएगा इसका? देयर इज अ, पहला सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ शिवाजी, अब यहां से शिवाजी हट जाएगा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरे भाई डॉक्टर हैं। ही हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली गए हैं। इसे कैसे कर सकते हो? माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, फुल स्टॉप हट जाएगा। हु हैज गोन टू दिल्ली, मेरे भाई डॉक्टर हैं जो दिल्ली गए हैं। या हम ऐसे भी कह सकते ना, मेरे भाई जो दिल्ली गए हैं वो डॉक्टर है। तो इस ढंग से तो आपको आता है, दूसरे ढंग से अभी वाला मैं दोनों करवाता हूं। माई ब्रदर, फिर लिख देंगे हु, फिर ही हट जाएगा, हैज गोन टू दिल्ली, इज अ डॉक्टर। समझ में आया क्या? माई ब्रदर, पहले हमने लिख दिया माई ब्रदर, हु हट गया, हु हैज गोन टू दिल्ली इज अ डॉक्टर। पहले हमने माई ब्रदर हु हैज गोन टू दिल्ली इज अ डॉक्टर, मेरे भाई जो दिल्ली गए हैं वो डॉक्टर हैं। या दूसरा तरीका सिंपल वाला क्या है? My brother is a doctor, he हट जाएगा, who has gone to Delhi। ऐसे ही Tom's sister is an artist, she lives in a small town। तो क्या हो जाएगा? Tom's sister is an artist, who lives in a small town। बराबर? तो यह दूसरा तरीका, इस ढंग से अगर करना है तो कैसे होगा? Tom's sister is an artist, who lives in a small town। ये तो आता ही आपको दूसरा तरीका। Tom's sister who lives in a small town, who lives in a small town is an artist। है ना आसान? तो कंजंक्शन के रूप में who का यूज किया जाता है। अब हम करते हैं यूज ऑफ वेयर, ये लिख लीजिए। तो अब हमें करना है इसमें वेयर का यूज। तो देखिए वेयर का यूज भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज अ कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। तो कैसे करना है देखिए। वी विजिटेड करनाला, हम करनाला गए। वी सॉ मेनी बर्ड्स देयर, हमने वहां पे बहुत सारे बर्ड्स को देखा। तो कैसे होगा? तो देखिए पहला सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, वी विजिटेड करनाला, हम करनाला गए। वेयर, फुल स्टॉप हट जाएगा, दो सेंटेंस को जोड़ना है। वेयर वी सॉ, जहां पर हमने देखा, मेनी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स को। फिर देयर नहीं लगाना, देयर यहाँ पे करनाला के लिए बोला गया है। तो वी विजिटेड करनाला, हम करनाला गए। वेयर, जहां पर, वी सा, हमने देखा, मेनी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आदित्य वेंट टू दिल्ली, आदित्य दिल्ली गया। ही स्टेड वन मंथ एट दैट प्लेस, ही स्टेड, वो वहां रहा, कहां पर रहा? दिल्ली में। कितना महीना? एक महीना। तो देखिए कैसे होगा, आदित्य went to Delhi, पहला सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, फुल स्टॉप हट जाएगा, वेयर आ जाएगा, वेयर ही स्टेड
जहां पे वो रहा, वन मंथ। फिर एट दैट प्लेस नहीं लिखना है, एट दैट प्लेस किसके लिए बोला गया, दिल्ली। तो देखिए, आदित्य वेंट टू दिल्ली, आदित्य दिल्ली गया, वेयर, जहां पर ही स्टेड वन मंथ, हुआ एक महीना रहा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।